है दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पेंसिल के बारे में जाना और इस वीडियो में कुछ शेडिंग के बारे में जानेंगे। और जो भी शेडिंग को बताऊंगा उसे मैं एक फिगर बनाकर दिखाऊंगा। अब हम जानते हैं कि शेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके पहले मैं आज इस वीडियो में 3 से 4 प्रकार के शेडिंग के बारे में बताऊँगा। तो अब हम शेडिंग के बारे में जानते हैं। तो पहले से मैं एक शेडिंग का पेज तैयार करके रखा था जितना आज मुझे सीखना था। तो पहला शेडिंग है हैच, दूसरा शेडिंग है क्रॉस हैच, तीसरा है टॉन, चौथा है स्ट्रिपेन, पांचवा है स्क्रैबर, छठा है एस्ट्रेन। ये बनाते हैं, यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। पहला था हम लोग क्या हैच, पहला क्या था हम लोग का हैच। हैच जो है ये कैसे होता है, सबसे पहले लाइट में ये सिर्फ लाइनअप जो होता है वो हैच होता है। उसे इससे डार्क, फिर इससे डार्क। अब बेहतर होगा कि ये हम लोग स्केच पेंसिल यूज करें, तो हम भी स्केच पेंसिल यूज करते हैं। सबसे बेहतर देन है कि 10 भी यूज करें। तो दूसरा होता है हम लोग का क्रॉस, क्रॉस हैच, क्रॉस हैच क्या तुम देख सकते हो क्रॉस हैच। तो यहाँ बता क्या, पहले जो इस पे था हैच पे उसको क्रॉस कर दिया गया है। तीसरा था टर्नल, टर्नल में क्या होता है पेंसिल को सीधा रखकर एक लाइन पर मिलाते जाए, ठीक है। और स्ट्रिपर में क्या होता है, स्ट्रिपर मतलब बूंदा करना है, बूंदा से हम लोग मतलब तेजी में बूंदा करते जाए और नीचे की ओर लेते हैं। पचमा है स्क्रिबल, स्क्रिबल मतलब राउंड में हम लोग नीचे की ओर लाएंगे, यहाँ से डार्क डार्क करते 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 हम लोग लाइट में चले जाएंगे। उसके बाद है एसेंडेज, इसमें क्या पेंसिल को आराम से सुला देना है, सुलाने के बाद आराम से उसको पेपर पकड़ लेना है, पेंसिल को मिलाते हुए ले चलाना, ऊपर में डार्क लेकिन नीचे लाइट आता जाएगा। तो ये लाइट टोन हो गया, ये मिडिल टोन हो गया, ये डार्क टोन हो गया। मैं कुछ बनाकर दिखाऊंगा फेवर में। तो हम सर्कल को लेकर चलते हैं, सर्कल का नया तरीका, आराम से गोल कर ले पहले इसको, जो भी ना परफेक्ट सर्कल दिखे वो रहने दें और जो ना दिखे उसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको आराम से, हम उसका इसको लाइटली इसको मिटा दें। लाइटली मिटाने के बाद आप यूज कर सकते हो कुछ भी सर्कल में, पर मैं तो सीख रहा हूँ अभी, इस कारण मैं अभी सीखते हुए से बता रहे आप ही सीख सकते हो। तो आप ही सर्कल बिना किसी सर्कल के यूज के कर सकते हो। तो मैं हर शेडिंग को लेकर चलता हूँ। पहला हम लोग का है हैश, हैश से हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करना है, छोटा सर्कल लगाता हूँ, इससे अच्छा दिखेगा भी आप लोगों को। तो वो हम लोग छोटा ले लिए, एक आम सर्कल हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग नीचे से पहले चलते हैं हैच को, हैच देख सकते हैं था लाइनअप था, उसमें लाइनअप हमने ले लिया जैसे जैसे था ऐसे से लेते जा रहे हैं। लाइट में लिए, फिर सर्कल डार्क में लेंगे इसी को, उसका हम था क्रॉस हैच, क्रॉस हैच था उसमें क्या था हम लोग का इधर से था, मतलब क्रॉस करना है, क्या करना है क्रॉस करना है, जैसे हम लोग क्रॉस कर सके। इसका था टर्नल, टर्नल का मतलब इसको पूरा मिलाते हुए, जैसे सर्कल है, सर्कल जहाँ से बन रहा है वहाँ से हमका मिलाते जाएंगे। बुंदा वाला, तो बुंदा हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग था स्क्रेबर, स्क्रेबर में था सर्कल का, सर्कल का आराम से पहले इधर से मिला लें, यहाँ से हम लोग डार्क है और डार्क से लेकर इसको लाइट को ले जाए एक लाइन से। आप देख सकते हो इफेक्ट कैसे आता है,
सिटी में खास करके। लास्ट हम लोग था स्क्रैम्ब्ड। स्क्रैम्ब्ड पेंसिल को हम लोग झुका कर करते थे, इसको आराम से तुम आप झुका कर करते हो, आराम से इसे सही कर सकते हो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। देख सकते हो कैसे सर्कल परफेक्ट अपने आप से जा रहा है शेडिंग के साथ साथ। बेस्ट है उसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब जैसा कि लाइट हम लोग का इधर से आ रहा है, हम लोग पेंसिल लाइट कर देंगे। उसके बाद इसका सेट तो यहाँ पर बनेगा, सेट जहाँ बन रहा है वहाँ पर सेट इसका बनाएंगे, सर्कल सेट बनाना है यहाँ पे। इसका सेट इसका सर्कल है, मिलाते ही जहां पर नीचे था वहां सबसे डार्क डार्क से लाइट लाइट। अब देख सकते हो कैसे ये निकल रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह से मैंने बहुत तरह के स्केच बनाए हैं। जैसा कि ये मेरा अभी इनकम्प्लीट स्केच है, तो इसके बाद अब पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में भी दिखाया था और मेरे पास स्केच है, मैं उसको अगले वीडियो में बताऊँगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कॉमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।